गाइस, आज मैं आपको फोन पे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप किसी भी दूसरे पर्सन को पेमेंट भेज सकते हो या उससे पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल तक का भुगतान आप इससे काफ़ी आसानी से कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को कैसे आपको यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आज आपको सारी जानकारी दूंगा। गाइज, अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल में फोन पे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, रजिस्टर्ड नाउ और नीचे मिल रहा होगा साइन इन। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो साइन इन कर सकते हैं। मैं आपको रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, सिंपल बेसिक परमिशन है, चार परमिशन है, इन चारों को ही आप अलाउ करते रहें। ये चारों को अलाउ करने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, नीचे अपना नाम और नीचे पिन डालना पड़ेगा 4 डिजिट का, कोई सा भी आप जो याद रहे वो पिन डाल दें। उसके बाद प्रोसीड कर, जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर ऊपर मेंशन किया था उसके अंदर ओटीपी आएगा जो यह ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ तो इसके अंदर मैं लॉगिन हो जाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर सिंपल मेरे को अपना मोबाइल नंबर डालना है और पिन डाल देना है और नीचे लॉगिन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली लॉगिन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बार बार लॉगिन करते समय ओटीपी वेरिफिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं काफ़ी आसानी से। इसके अंदर आपको सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपकी ज़रूरत का हर एक ऑप्शन इसके अंदर होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको बताता हूँ। ऊपर की तरफ आपको जो फिल करना है जिसके अंदर ऐड बैंक अकाउंट और दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट वॉलेट, ऐड न्यू कार्ड, ऐड फोटो, इन चारों को फिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऐड बैंक अकाउंट इसके अंदर चले जाते हैं। सिंपल से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्लिक करते ही इसका यह पेज एक ओपन हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पेज शो होगा। ऊपर की तरफ आपको जो पॉपुलर बैंक है वो उसके लिंक देख रहे होंगे और नीचे जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। जौन सा भी अकाउंट उस नंबर से लिंक होगा, मतलब जो आपने इसके अंदर नंबर डाला है फ़ोन नंबर उससे लिंक होगा जौन सा बैंक अकाउंट, उसके ऊपर क्लिक कर दें। मेरा ICICI बैंक के अंदर है तो उस पर क्लिक करते ही तो ये आप ऑटोमेटिकली देखिए इसने कैच कर लिया कि आपका ये बैंक अकाउंट है, लास्ट की डिजिट बता दी और कहाँ का है ब्रांच और IFSC कोड, ये सारी चीज़ इसके अंदर बता दी है, कौन सा टाइप है सब कुछ बता दिया है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी और नहीं करना, नीचे सेट भीम UPI पिन इस बटन को प्रेस करते ही नेक्स्ट एक पेज खुल जाएगा जिसके अंदर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, हाँ ये मेरा ही अकाउंट है। अपना डेबिट कार्ड हाथ में रख लें, डेबिट कार्ड के अंदर जो लास्ट की 6 डिजिट होती हैं वो आपको ऊपर फिल करनी पड़ेगी और नीचे की तरफ जो आपको दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर एक्सपायर डेट जो डेबिट कार्ड की है वो फिल करनी पड़ेगी और नीचे CVV जो डेबिट कार्ड के बैक साइड पे होती है वो फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दे तो यह लिंक हो जाएगा आपका अकाउंट जिससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो काफ़ी आसानी से। मैं करना नहीं चाहता तो मैं अब बैक आ चुका हूँ। यहाँ पर अब दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट वॉलेट, इसके अंदर चले जाते हैं कि इसके अंदर आप अपने वॉलेट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर आप वॉलेट के अंदर भी पैसे अलग ढंग से रख सकते हैं, आपको बार बार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही बैंक अकाउंट की, इसमें वॉलेट में आप रख सकते हैं। वॉलेट को आपको KYC पूरी करवानी पड़ेगी, प्रोसीड बेसिक डिटेल ये दबाते ही यहाँ पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर पहले ऑप्शन है कि आप कौन सा मतलब KYC के लिए डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर मतलब जो उसका नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और अपना नाम, बस ये KYC हो गई। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना और काफ़ी ईजी ढंग से इसमें KYC हो जाती है। और ध्यान रखें 18 साल से ऊपर का ही बंदा इसके अंदर KYC कर सकता है, इसलिए इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये भरने के बाद आप KYC इसमें कंप्लीट कर लोगे और आपको मंथली 10,000 रुपये तक की लिमिट मिल जाएगी, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मैं करना नहीं चाहता इसलिए बैक चला जाता हूँ। तीसरा ऑप्शन है ऐड न्यू कार्ड, इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन दोनों के अंदर ही आपको कार्ड नंबर एंटर करना है और उसकी एक्सपायरी डेट और ईयर और CVV जो कार्ड की बैक साइड पे होता है ये एंटर कर देना है और नीचे सेव बटन है तो ये आपके मतलब ऐड हो जाएगा। जितने भी आपको कार्ड ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं बाद में ट्रांजेक्शन करने के लिए,
ठीक है। आप इसे अगर डिलीट करना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसे डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। जोन सा मर्जी कार्ड आपको हटाना है तो हटा भी सकते हैं, और इसमें ऐड करना ज़रूरी होता है। बाय चांस कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो कार्ड के थ्रू ही आप ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो काफ़ी आसानी से, अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब इसे फोटो ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। कैसे प्रोफाइल फोटो ऐड करती हैं, तो ये प्रोफाइल पिक के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ पर भी फोटो पड़ी है जोन सी फोटो आपको लगानी है, आप इसके अंदर फोटो काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, माई QR कोड, माई भीम UPI ID, माई एड्रेस। माई एड्रेस पर सबसे पहले चले जाते हैं कि इसके अंदर कैसे आप एड्रेस मैंशन कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल है, ऐड न्यू एड्रेस, इसके अंदर क्लिक करते ही अपना एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे माई लैंग्वेज आप इसे भी सेट कर सकते हैं, जोन सी भी लैंग्वेज आपको सूटेबल लगती है आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसके अंदर सारी आपको लाइनें देखने को मिलेंगी जो आप पढ़ना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप यहीं से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते ही पासवर्ड जो चेंज है उस पर क्लिक करेंगे तो अपना पासवर्ड चेंज कर लें। जोन सा भी नया पासवर्ड रखना है, पहले पुराना मेंशन करके नया फिर आप लिख सकते हैं। मेरे को करना नहीं, मैं वापस बैक चला जाता हूँ। अब वापस से बैक चले जाते हैं इसकी और चीज़ें देखने के लिए। अब नीचे देखिए आपको हेडलाइन देखने को मिल रही होगी, मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है टू कॉन्टैक्ट, मतलब अपने कॉन्टैक्ट को, किसी भी कॉन्टैक्ट को कैसे आप पेमेंट भेज सकते हैं, इसके अंदर मैं जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होंगे सबके यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। और ये ध्यान रखें, जो नीचे की तरफ है जिनके ऊपर पे का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो नीला नीला निशाना नहीं है, तो वह फ़ोनपे अकाउंट उसका नहीं है। और जिसके ऊपर आपको नीला वाला पे का दिख रहा ऑप्शन, उसका फ़ोनपे अकाउंट है जिसको आप पैसे भेज सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा जिस भी कॉन्टैक्ट को पैसे भेजने हैं उसके ऊपर क्लिक कर दें, एक आपको सिर्फ क्लिक करना है। और उसके ऊपर आप यहाँ पे आप देखिए, मैंने क्लिक करते ही यहाँ पे अब आपको अपना अमाउंट एंटर करना है, जितना अमाउंट आपको उसे पे करना है। ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस पर्सन का भी फ़ोनपे अकाउंट है। और अब नीचे देखिए पेमेंट कैसे होगी, आपने जो कार्ड सेव करके रखे हैं या तो उससे हो जाएगी, या भीम UPI, मतलब जो दूसरा कोई अगर आपका UPI है तो उससे कर दें, या जो अकाउंट है उससे कर दें। तो आप ऐड अकाउंट के ऊपर भी क्लिक करके नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो जो पुराना अकाउंट है उससे भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए 200 रुपये एंटर कर दिए, अब जोन सा भी अकाउंट लिंक होगा तो उससे मतलब आप कर दें। बस ये देखिए, ये मतलब अपनी याद के लिए कि क्या किस बेस पे मैंने उसे पैसे दिए, मैंने अपना ही नाम लिख दिया है। ठीक है, इस ये बिल्कुल सेफ प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। ये देखिए नया UPI अगर बनाना है तो उसको क्लिक करते ही, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपको हरा डॉट दिख जाएगा टिक का, और फिर यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आपको ये बताता है कि भीम से कनेक्ट करना है। मतलब उससे आप जैसे ही कनेक्ट होंगे तो उसके अंदर आपको जो भीम के अंदर अपना UPI पिन और पासवर्ड डाला हुआ है तो उसको आप जैसे इससे लिंक कर देंगे तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं उस बंदे को भी। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है पेमेंट करने के, और बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं कि हमारे अकाउंट हैक हो जाएगा, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं। गाइस, अगर आपके मोबाइल में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं नीचे ब्लू डॉट को क्लिक करके। वो क्लिक करते यहाँ पे जोन सा भी कॉन्टैक्ट नंबर है उसको यहाँ पे टाइप कर दें तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देगा। मैं एक एग्जांपल के लिए ऐसे कोई सा भी एक नंबर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, वापस बैक कर लिया। अगर आपने कोई जिसका फ़ोनपे अकाउंट है उसका नंबर सेव नहीं किया हुआ तो सेव करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश का बटन दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, उसे रिफ्रेश बटन दबाते ही रिफ्रेश हो जाएगा और इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन है, अब दूसरे ऑप्शन के अंदर चल लेते हैं जो लिखा हुआ है भीम UPI ID, इसके अंदर जाके देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जिस भी व्यक्ति का फ़ोनपे अकाउंट नहीं है लेकिन किसी भी अकाउंट के अंदर भीम से UPI ID बनी हुई है, मतलब उसके अकाउंट की UPI ID जैसे मर्जी हो वो बनी हुई है, आप उसको भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो पैसों की। अब नीचे ऐड न्यू UPI ID ये दिख रहा है, उसको क्लिक करते ही यहाँ पे आपको उस व्यक्ति की UPI ID यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और यह आज के टाइम पे हर किसी का बनी हुई है UPI ID, आसानी से बना भी सकते हो आप अपने अकाउंट में या अपने बैंक की एप्लीकेशन में। वो देखिए, मैं UPI ID यहाँ से एंटर कर देता हूँ, मेरी भीम के अंदर बनी हुई है मेरे फ्रेंड की, तो मैं वही इसके अंदर एंटर करके नीचे वेरीफाई भीम UPI ID इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये वेरिफिकेशन चालू हो जाएगी कि यह UPI ID वेरीफाइड है या नहीं। ये वेरीफाइड हो गई और नीचे नाम भी आ चुका है, और उसके नीचे आप ऑप्शन है कि एक रिमार्क कर सकते हो कि किस टॉपिक के ऊपर, मतलब इसको पेमेंट कर रहे हो तो वो आप लिख सकते हो जोन सा मर्जी आपका मन चाहे। तो मैं ब्रो लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे बटन दबा दिया,
कंफर्म का बटन दबाने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिख दें, अमाउंट लिखने के बाद रिमार्क कि किस बेस पे पैसे दिए, और नीचे आप नॉर्मल वही ट्रांजेक्शन कर सकते हो जैसे कार्ड से जैसे मर्जी। अगर उस व्यक्ति का भीम UPI ID भी नहीं है तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी पैसे डाल सकते हो। ये बैंक अकाउंट का ऑप्शन जैसे सिलेक्ट किया, देखिए एक पेज ओपन हो गया है जिसके अंदर उसकी बैंक की थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं, IFC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शन है और निक नेम डाल के तो कंफर्म कर दोगे तो पेमेंट वहाँ डायरेक्ट बैंक के अंदर भी आप कर सकते हो। और यह काफ़ी सिंपल है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी करना, और आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा नहीं। ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। वापस से बैक चले जाते हैं, थोड़े से और ऑप्शन इसके देख लेते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है टू अकाउंट, इसके अंदर भी चले जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे टू कॉन्टैक्ट के अंदर ही बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन होता है, उसके अंदर ही थोड़ी बहुत डिटेल भरो तो आप डायरेक्ट बैंक में ही पैसे भेज सकते हो। अब यह है टू सेल्फ, मतलब आप अपने ही अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हो, अगर आपके वॉलेट में पड़े या एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने हैं तो यहाँ पर आप आसानी से भेज सकते हो। बैंक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट है वो एंटर कर दो तो नीचे आपको एड न्यू अकाउंट टाइप करना पड़ेगा जो जिसके अंदर आपको पैसे भेजने हैं, ठीक है। आप वो टाइप करते ही आपको आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में आप भेज सकते हैं। ये भी मतलब सिंपल ही है सारे, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन्होंने सिर्फ खोल खोल के बताया हुआ है, अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। टू कॉन्टैक्ट के अंदर ही सारे ऑप्शन आते हैं। अब बैंक बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो इसके अंदर, जौन सा भी आपने अकाउंट लिंक किया हुआ है इसके अंदर तो उसका आप बैलेंस भी आसानी से चेक कर सकते हो। नॉर्मल आपको UPI पिन एंटर करनी पड़ेगी, भीम की जो होती है या जो बैंक अपना प्रोवाइड करके देता है UPI पिन, उसके आपको पिन इसके अंदर एंटर करनी है और ओके का दबा दोगे तो आप बैलेंस आसानी से इसी में चेक कर सकते हो कि आपको कोई पेमेंट आई है। बार बार आपको उसके अंदर नहीं जाना पड़ेगा कि बैंक की एप्लीकेशन में आपको जाके उसमें बैलेंस चेक करना है, यहीं से बैलेंस भी चेक कर सकते हो। अब थोड़ा साइड किया, अब यहाँ पर और थोड़े ऑप्शन आ गए हैं। स्प्लिट बिल, इसके अंदर भी जाके देख लेते हैं। इसके अंदर एक ही टाइम पे आप काफ़ी सारे लोगों को पैसे भेज सकते हो। अगर उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन पे में कनेक्ट है तो आप उसको भी आप पैसे भेज सकते हो, भीम UPI ID से भी भेज सकते हो। अब मैं काफ़ी सारे देखिए फ़ोन पे के जो कनेक्ट यूज़र हैं करेंट, ठीक है, उनको मैं क्लिक कर लिया, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं। अब मैं भीम UPI ID को भी देख लेता हूँ, इसके अंदर भी एक को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का बटन दिख रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं इन सबको पैसे देना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे देखिए सबके कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं और उनके आगे बॉक्स आ चुका है कितने पैसे देने हैं। ऊपर सिर्फ आपको अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट है, मैं एक एग्जांपल के लिए 50 रुपये लिया है, ठीक है। सब पे ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गए हैं कि कितने कितने सब पे जाएंगे। अगर आपको अपने अकाउंट में भी डालने तो यह अपने अकाउंट में भी डाल देगा आपके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं क्योंकि मेरा ही अकाउंट है, तो बार बार मेरे अकाउंट में पैसे जाके क्या करेंगे, मैं औरों के अकाउंट में डालना चाहता हूँ तो मैं अपने वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपको बैलेंस जीरो कर देना है, मतलब कि आपके खाते में नहीं जाए, और सब पे ऑटोमेटिकली देखिए डिवाइड हो चुके हैं पैसे कि जितने भी आपने छोड़े हैं सब पे डिवाइड हो चुके हैं। उनके साथ ही आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, उस एरो का बेनिफिट ये है कि आप उस पर्सन को कितने गुना पैसे ज़्यादा देना चाहते हैं, मतलब होंगे वही 50 रुपये, डिवाइड होते रहेंगे कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये बढ़ गया, एक पे मैंने +1 पे क्लिक किया, अब ऐसे ही +2 पे क्लिक करूँगा तो +2 मतलब 2 गुना, मतलब और ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब ऐसे आप बढ़ा सकते हो कि उस व्यक्ति को ज़्यादा पैसे देने हैं, औरों को कम करने हैं, कम कम पैसे देने हैं, तो आप इसके अंदर ये भी चेंज कर सकते हो। जैसे भी आपको इसके अंदर सेट करना है जितनी पेमेंट करनी है तो आप ये सेट करके पे स्प्लिट अ बिल, ये बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये पेमेंट आपकी सक्सेसफुली चली जाएगी। ये मैं भी करना नहीं चाहता। अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा रिक्वेस्ट, अगर आपके पास पैसों की कमी पड़ गई है तो आप किसी फ़ोन पे यूज़र से पैसे मंगा भी सकते हैं। नीचे आपको काफ़ी सारे ऑफर्स के ऑप्शन मिलेंगे और साथ में अर्न का ऑप्शन है। इसके अंदर क्या फ़ायदा होगा, अगर आप इस एप्लीकेशन को किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर में किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो उसके कैशबैक आपको मिलेगा, 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अब नीचे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको फीचर देखने को मिल रहा है, इससे आप रिचार्ज करना चाहो या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना चाहो, पोस्टपेड का, लैंडलाइन का, वाटर बिल, MCD टैक्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं सबका एक एक करके आपको दिखा नहीं सकता, अभी आपको मैं सिर्फ एक रिचार्ज का दिखाता हूँ कि आप इसके अंदर रिचार्ज कैसे करते हैं।
कुछ एक आधे ऑप्शन और भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि और कैसे कैसे आप ज़्यादा नहीं बता सकता इसके अंदर में, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फीचर हैं लगभग सिमिलर ही हैं किसके अंदर कैसे ऐसे यूज़ किया जाता है। अब ऊपर की तरफ देखिए आपका नंबर दिख रहा होगा, उसे आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ताकि किसी और व्यक्ति का अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, अगर अपना रिचार्ज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, यही नंबर रहने दो। अगर किसी और व्यक्ति का आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ऊपर से भी, और नीचे आपको जो बटन दिख रहा है वहाँ से भी, जहाँ से मर्जी आपको सर्च करना है तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई नया नंबर है तो आप नीचे वाला जो आपको गोल लड्डू दिख रहा है नीले ब्लू कलर का, उसके ऊपर जाके जोन सा भी नंबर है वो यहाँ पे सिंपली टाइप कर दें। अगर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में नहीं दिख रहा कि आपके मोबाइल में नहीं सेव, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा आ गया है न्यू नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर दें न्यू नंबर पे ही जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा। अब नीचे उसका ऑपरेटर आप चेंज कर सकते हैं कि वह किस ऑपरेटर का है, वोडाफोन, आइडिया, मतलब काफ़ी सारे, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारे ऑपरेटर जितने भी इंडिया में इस टाइम रनिंग में करंटली चल रहे हैं वो सारे ऑपरेटर आपको देख रहे होंगे। मैं टेलीनोर देखिए सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ ही वह किस स्टेट का है वो क्लिक कर दें। टेलीनोर ज़्यादा स्टेट में चलता नहीं तो इसलिए कम स्टेट में चलता है तो कम ही लिस्ट आई है यहाँ पे, ठीक है। जोन सा भी आपका स्टेट है आप उसे सिलेक्ट कर लें। मैं एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इसे कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं कोई सा भी एक स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया मैंने। अब नीचे एंटर अमाउंट, जितना भी आपको रिचार्ज करना है रिचार्ज कर दे। उसके साथ ही व्यू प्लान, आप उसका प्लान भी देख सकते हैं, मतलब उस जो कंपनी को आपने सिलेक्ट किया उसका क्या प्लान चल रहा है, कितने का फुल टॉक टाइम है, कितने से आपको कितना डेटा मिल रहा है, ये सब देख सकते हैं। अब नीचे आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं यहीं पर ही। उससे ट्रांजेक्शन करनी है तो उससे कर लें, नहीं करनी तो टिक को हटा दें सिंपली, जैसे मैंने देखिए करा है। अब नीचे भीम UPI, मतलब आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं इसकी तो वो कर दें। डेबिट कार्ड है तो आपके पास तो डेबिट कार्ड से कर दें, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास तो क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर आपका सेव हो जाएगा, ताकि फ्यूचर जब भी आपको कोई पेमेंट करनी होगी तो आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको CVV याद होना चाहिए तभी आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। मैं अभी कोई सा भी रिचार्ज करना नहीं चाहता, सिर्फ एक आपको सिखाने के लिए मैंने ये पेज खोला था। अब मैं वापस बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का कैसे आप बिल पे कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गए, यहाँ पे आपको जितने भी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर दिख रहे होंगे उनके यहाँ पे आपको नाम दिख जाएंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो BSES यमुना, BSES राजधानी, इसके अंदर मैं यमुना के अंदर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको CA नंबर डालना पड़ेगा जो आपके बिल के ऊपर मेंशन होता है, वो इसके अंदर डालते ही आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी डिटेल है, इतना बिल है, उसके बाद पेमेंट कर दें। पेमेंट बिल्कुल वैसी होगी जैसे मैंने आपको रिचार्ज के अंदर दिखाई थी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इसके अंदर आपका जो लिंक अकाउंट है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको और कुछ भी आप एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी आसान है इसके अंदर कोई सी भी पेमेंट करना, ठीक है। वापस देखिए मैं बैक चल आ गया। अब इसके अंदर आपको मैं ये देखिए आप जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, किसी अगर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट कर दें, ठीक है। अब मैं पोस्टपेड के ऑप्शन में भी चलाता हूँ, अगर कोई आपका मोबाइल बिल पे करना है तो आप वो भी पे कर सकते हैं, जैसे रिचार्ज होता है वैसे इसके अंदर मोबाइल बिल पे भी होता है, ठीक है। अब वाटर बिल के अंदर चले जाते हैं कि अगर आपके पानी का बिल को पे करना है तो वो भी आप इसी ऐप में कर सकते हैं, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। और इसके अंदर आप इंडिया के अंदर जितने भी पानी सप्लाई करती हैं कंपनियां वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। मेरी दिल्ली की है तो दिल्ली के अंदर देखिए मैं जाके देखा तो इसके अंदर आपको K नंबर आपके बिल के ऊपर ही मेंशन होता है, वो डालते ही सिंपल सा आपको पे करना है, मतलब कन्फर्म करके पे कर दो, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ दिखा नहीं सकता, आप आसानी से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर हिस्ट्री चेक करनी है तो नीचे सबसे लास्ट के अंदर एक ऑप्शन है हिस्ट्री का, इसके अंदर आप सारी अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि हमने किस टाइम पे किसको पे करा है। अगर आपको उसका प्रिंटआउट निकालना है तो सिंपली उस पर क्लिक करें, उसके अंदर जाके आप इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। और अगर आप दूसरे मंथ का देखना चाहते हैं, मतलब कोई और मंथ का, तो आप वो भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि किस मंथ के अंदर हमने क्या ट्रांजेक्शन करी थी, उसकी सारी हिस्ट्री आपको इसके अंदर शो होगी, सिर्फ टिक करो अप्लाई कर दो। अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं कि हमने किस कैटेगरी को करी तो कैटेगरी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर भी आप ऊपर से ही कर सकते हैं, इसके अंदर सब चीज़ें आसान है। अब नीचे जो हिस्ट्री के साथ ही एक ऑप्शन है माई मनी, इसके अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब बैंक अकाउंट जो लिखा हुआ है वहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पे जो आपने बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है उसको आप हटा भी सकते हैं।
अगर आपको हटाना है तो आप वो भी हटा सकते हैं, नया अगर ऐड करना है तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। हटाना कैसे है, ऊपर देखिए डिलीट का बटन है, डिलीट बटन क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है लास्ट में अनलिंक बटन है, उसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करते ही यह अकाउंट आपका डिलीट हो जाएगा और नया अकाउंट अगर आपको ऐड करना है तो नया अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके आगे की आपको प्रोसेसिंग मैंने आपको सारी स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, वैसे इसके अंदर है। अगर आपने कोई डेबिट कार्ड है जो इसके अंदर सेव हो चुका है, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में कोई डेबिट कार्ड डाला होगा तो वो सेव हो जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको वो शो होगा, उसको भी डिलीट करने का सिंपल है, डिलीट का ऑप्शन होगा, डिलीट कर दो तो ये हट जाएगा, ठीक है। ऐड करना है तो ऐड भी आप कर सकते हो, ऐसी क्रेडिट कार्ड के अंदर है, क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे शो होगा, उसे डिलीट कर दो, और ऐड करना है तो ऐड भी आप कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे वॉलेट को इसके अंदर लिंक करना है तो आप लिंक भी कर सकते हो, दूसरा फ़ोनपे अकाउंट है तो फ़ोनपे लिंक कर सकते हो। मेरा यह वॉलेट KYC हुआ नहीं है इसलिए लिंक नहीं कर सकते, पहले KYC कह रहे, KYC करो उसके बाद ही आप दूसरा अकाउंट भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। जियो मनी को भी इसके अंदर लिंक कर सकते हो, आपके जियो वॉलेट जो होगा उसके अंदर OTP सेंड हो जाएगा तो ये लिंक हो जाएगा। फ्री रिचार्ज भी आप इसके अंदर लिंक कर सकते हो, जो एप्लीकेशन है वह भी वॉलेट एक तरीके का, उसको भी आप इसके अंदर लिंक कर सकते हो, OTP सेंड हो जाएगा तो OTP से वेरीफाई हो जाएगा, ऐसी एयरटेल मनी भी, ठीक है। और इसके अंदर आप अगर आपने ऑटो पे सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली कोई पेमेंट होती रहे, आप उसको भी हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो यहीं पर ही, ठीक है। मैंने जो बिल पे किया था तो उस बिल पे के ऊपर बता रहा है कि अगर इसको ऑटो पे भी करना चाहो तो कर सकते हो, या ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। और रिमाइंडर को भी आप चेंज कर सकते हो या लगा सकते हो यहीं से ही, कोई सा भी रिमाइंडर कि इस टाइम इस बंदे को पेमेंट करनी है। यह काफ़ी इजी एप्लीकेशन और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।